इनके लब रंगी की मिठावर के जिसने खाने के दौरान हर लुकमे पर क्या पढ़ते रहने से खाना पेट में नूर होगा और बीमारी वगैरह दूर होगी, तो इस वजीफे को भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो शामिल कर लें। वजीफ़ा बहुत छोटा है, जब भी खाना खाने बैठें दस्तरखान पे, आप भी, घर की ख़वातीन भी, बच्चे भी, तो हर लुकमे पर जैसे ही लुकमा मुंह में जाए या वाजिदू या वाजिदू या वाजिदू का फिर्द रखें। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हर लुकमे ही पर पढ़ना है, मसलन ये ज़्यादातर लुकमे में अगर पढ़ लिया जाएगा तो इंशाल्लाह ताला बीमारी से महफूज रहेंगे और वो खाना जल्द हज़म होने वाला होगा और वो पेट में जो है वो नूर बनेगा। तो दस्तरखान पे बैठकर बीच में थोड़ा बुलंद आवाज़ से भी पढ़ना चाहिए ताकि साथ बैठे लोगों को भी ताकीद हो, उनको पता चल जाए। घर में ख़वातीन हैं या मरीज़ हैं जिनको खाना हज़म नहीं होता, गैस वगैरह की परेशानी होती है या कब्ज़ की या दूसरी पेट से रिलेटेड, तो इंशाअल्लाह ताला अच्छी नियतों के साथ अगर खाना खाते वक्त हर लुकमे पर या वाजिदू पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और बेहतर ये है कि बिस्मिल्लाह हर लुकमे पर और या वाजिदू के साथ पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वाजिदू, फिर खाएँ, फिर लुकमा अच्छी तरह चबाएं, बहुत अच्छे से चबाने के बाद उसको निगलें, फिर अगले लुकमे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वाजिदू, ये हल्की आवाज़ में दिली दिल में कि आप सिर्फ सुन सकें, आहिस्ता पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला वो खाना आपके पेट में नूर होगा और बीमारियों से भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। घर में तमाम लोग, ख़वातीन, बच्चे, बहुत छोटा अमल है और इसको लिए कोई वक्त की पाबंदी भी नहीं है, सिर्फ खाने का वक्त है, खाएँ तो या वाजिदू पढ़ कर खाएँ, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। पुरनवार।